तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीए इंटरमीडिएट का कॉर्पोरेट लॉ जो है सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रुप के अंदर उसका चैप्टर है एक जनरल मीटिंग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसको जनरल मीटिंग भी बोलते हैं इस चैप्टर को। तो मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से दे रखा है पिछली बहुत पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप देख लेना। पहले ये वीडियो पूरी देख लो उसके बाद वो देखना, ठीक है। तो पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है, जनरल मीटिंग का। पिछली वीडियो में मत जाओ, पहले मैं इधर ही इंट्रोडक्शन देता हूँ छोटा सा एक। जनरल मीटिंग होती क्या है? कोई भी कंपनी जब एक मीटिंग रखती है जिसमें कौन आते हैं? सारे शेयर होल्डर्स, ठीक है। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के शेयर खरीदते हैं, मतलब एक तरह के वो ओनर होते हैं कंपनी के, ठीक है। जब वो सारे मिलकर एक मीटिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं जनरल मीटिंग। समझ आ गया? एकदम शॉर्टकट में मैंने आपको समझाया जनरल मीटिंग मतलब होता क्या है, ठीक है। अब हम इसमें सेक्शन कौन सा पढ़ने वाले हैं? सेक्शन 103 सेक्शन किसका है? कोरम फॉर मीटिंग, ठीक है। अब कोरम मतलब क्या होता है? जब भी कंपनी कोई मीटिंग रखती है, ठीक है, वो वैलिड तभी कहलाई जाएगी जब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स, मेंबर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स को ही बोलते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर भी लिख सकते हो और मेंबर भी लिख सकते हो। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स आर प्रेजेंट इन द मीटिंग, ठीक है। अगर उस मीटिंग के अंदर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट है तभी वो मीटिंग वैलिड कराई जाएगी, ठीक है। अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर मतलब क्या हुआ? कितने मेंबर हमें चाहिए, प्रेजेंट कितने होने चाहिए मीटिंग के अंदर जो मीटिंग वैलिड हो जाए, तो वो प्रोविज़न इस सेक्शन में बताए गए हैं। तो अब हम वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब कोरम मतलब समझ आ गया ना, इसी को बोलते हैं कोरम। जब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट होते हैं मीटिंग पे और वो मीटिंग जब वैलिड जाती है तो उसको हम बोलते हैं कि कोरम बन चुकी है, मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर आने चाहिए थे वो आ चुके हैं और वो मीटिंग वैलिड हो चुकी है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोरम। तो अब इसमें से थोड़े प्रोविजंस पढ़ लेते हैं। अब दो कंपनी आ जाती है, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, ठीक है। अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर मैंने अभी बताया था आपको, तो वही इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखे हैं, ठीक है। पब्लिक कंपनी में पहले देखते हैं हम, ठीक है। पब्लिक कंपनी में क्या लिखा है? इफ नंबर ऑफ मेंबर इज नॉट मोर देन 1000, कोई भी पब्लिक कंपनी जिसके मेंबर्स, मतलब टोटल ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 1000 से कम है, ठीक है, 1000 से अगर कम है तो कितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर चाहिए कोरम बनाने के लिए? 5 मेंबर। मतलब अगर ये कंपनी कोई मीटिंग रखती है और उसके अंदर अगर 5 मेंबर्स भी अगर प्रेजेंट होते हैं मीटिंग के डे, ठीक है, 5 मेंबर अगर प्रेजेंट होते हैं मीटिंग के दिन, तो वो मीटिंग क्या कहलाई जाएगी? वैलिड कहलाई जाएगी, मतलब वो मीटिंग आगे फर्दर हम प्रोसीड कर सकते हैं, फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। और पब्लिक कंपनी जिसके मेंबर्स 1000 से ज़्यादा होते हैं और 5000 तक होते हैं, उनके अंदर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर कितने प्रेजेंट होने चाहिए कोरम बनाने के लिए? 15 मेंबर्स, ठीक है, समझ आ गया। कोई भी पब्लिक कंपनी जिसके मेंबर 1000 से ज़्यादा हैं तो उनकी मीटिंग को वैलिड करने के लिए कितने मेंबर चाहिए मीटिंग के दिन प्रेजेंट होने? कितने चाहिए? 15 मेंबर्स, ठीक है, समझ आ गया। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। और कोई भी पब्लिक कंपनी जिसके 5000 से ज़्यादा मेंबर हैं तो कोरम बनाने के लिए कितने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए? 30 मेंबर्स, ठीक है, समझ आ गया। अब आती है प्राइवेट कंपनी की बात। प्राइवेट कंपनी कोई सी भी हो, अगर 2 मेंबर भी उनके प्रेजेंट होते हैं मीटिंग के दिन, तो वो मीटिंग क्या कहलाई जाएगी? वैलिड कहलाई जाएगी, ठीक है, मतलब हम फर्दर प्रोसीड उसे कर सकते हैं, समझ आ गया। अब हमने क्या बात करी कि अगर इतने मेंबर प्रेजेंट हुए तो मीटिंग वैलिड हो जाएगी। अगर मान लो इतने मेंबर प्रेजेंट नहीं हुए तो क्या होगा, ठीक है। तो एक टॉपिक आता है इसके आगे, एडजर्न्ड, मतलब अगर मीटिंग के दिन जितने मेंबर इन्होंने स्पेसिफाई किए हैं प्रोविज़न के अंदर वो उस दिन प्रेजेंट नहीं हुए तो मीटिंग क्या हो जाएगी? इनवैलिड हो जाएगी। और उसको हम क्या करेंगे? एडजर्न कर देंगे। एडजर्न मतलब उसको पोस्टपोन कर देंगे। मान लो मंडे को थी, ठीक है, इस मंडे को, तो हम नेक्स्ट मंडे को क्या कर देंगे? उसको हम पोस्टपोन कर देंगे कि अब हम नेक्स्ट मंडे को ये मीटिंग करेंगे, ठीक है,
समझ आ गया, मतलब नेक्स्ट वीक हम उसको बोलेंगे कि अब ये मीटिंग नेक्स्ट वीक होगी, लेकिन सेम प्लेस पे होगी और सेम टाइम पे होगी, एट सेम प्लेस और सॉरी एंड सेम टाइम, ठीक है। अब हम इसमें बुक में से एक बार रीड कर लेते हैं। देखो द सेक्शन फर्दर स्टेट दैट इफ द रिक्वायर्ड कोरम इज नॉट प्रेजेंट, मतलब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर अगर प्रेजेंट नहीं हुए विद इन हाफ एन आवर, अगर आधे घंटे के अंदर अंदर अगर कोरम नहीं बनी, कोरम मतलब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट नहीं हुए मीटिंग के दिन, तो क्या होगा, द मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न फॉर द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड प्लेस, मतलब वो जो मीटिंग होगी एडजर्न कर दी जाएगी नेक्स्ट वीक और सेम टाइम और सेम प्लेस पे, ठीक है, ये समझ आ गया। अब क्या है, इन केस ऑफ द मीटिंग वॉज कॉल्ड बाय द रिक्यूजनिस्ट, ठीक है। अब मतलब अगर सेक्शन 100 के अंदर मीटिंग बुलाई गई है, मतलब EGM, सेक्शन 100 किसका होता है, EGM का, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है, और अगर उस दिन कोरम नहीं बनी, EGM के दिन अगर कोरम नहीं बनी तो हम उसको एडजर्न नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, अब वो मीटिंग नहीं होगी, ठीक है। और अगर इसके अलावा कोई सी भी मीटिंग होगी उसको हम एडजर्न कर देंगे नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम सेम प्लेस, समझ आ गया। और दोस्तों देखो अब दूसरा प्रोविज़न क्या बोला गया है अंदर, इन केस ऑफ द एडजर्न मीटिंग और चेंज ऑफ डे टाइम और प्लेस, अभी मैंने क्या बताया आपको कि नेक्स्ट वीक में हम क्या कर देंगे, उसको एडजर्न कर देंगे सेम प्लेस सेम टाइम, अगर प्लेस उन्होंने चेंज करा है, अगर टाइम चेंज किया है, कुछ भी चेंज किया उन्होंने, या तो डेट चेंज कर दी, तो क्या होगा, कंपनी शैल नॉट लेस देन 3 डेज नोटिस टू द मेंबर आइदर इंडिविजुअली और बाय पब्लिशिंग एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, मतलब 3 डेज के अंदर अंदर सारे मेंबर्स को वो नोटिस देगी कि हमने अपनी जगह चेंज करी है अगली मीटिंग के लिए, या फिर टाइम चेंज किया या फिर प्लेस चेंज किया, ठीक है, समझ आ गया। अगर नेक्स्ट वीक हमने मान लो मंडे की जगह ट्यूजडे कर दिया, ठीक है, और सेम प्लेस नहीं है ना ही सेम टाइम है, तो क्या होगा, 3 डेज के अंदर अंदर वो नोटिस देगी किसको, मेंबर्स को देगी, ठीक है, और या तो मेंबर को इंडिविजुअली दे दे या तो पब्लिश कर दे एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, समझ आ गया। थर्ड प्रोविज़न और लास्ट प्रोविज़न ऑफ दिस सेक्शन, वेयर कोरम इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एडजर्न मीटिंग, एडजर्न मीटिंग के दिन भी अगर कोरम नहीं बनी, ऑल्सो विद इन हाफ एन आवर, अगर आधे घंटे के अंदर अंदर एडजर्न मीटिंग में भी अगर कोरम नहीं बनी तो क्या होगा, जितने मेंबर प्रेजेंट होंगे वही मीटिंग को फर्दर प्रोसीड कर देंगे, समझ आया। अब एक बार मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, मान लो कंपनी ने मीटिंग रखी, ठीक है, और उस दिन क्या हुआ, कोरम नहीं बनी, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको एडजर्न कर दिया नेक्स्ट वीक, ठीक है। अब मान लो नेक्स्ट वीक अब ये मीटिंग होना स्टार्ट हुई, ठीक है, नेक्स्ट वीक मीटिंग हो रही है, ठीक है, तो क्या हुआ, अगर नेक्स्ट वीक के दिन भी अगर कोरम नहीं बनी, मतलब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर उस दिन भी प्रेजेंट नहीं हुए, तो क्या होगा, जितने बंदे प्रेजेंट होंगे, जितने भी मेंबर प्रेजेंट होंगे वही मीटिंग को फर्दर प्रोसीड कर देंगे। तो दोस्तों यही कुछ इसके प्रोविज़न थे, एक बार मैं दोबारा आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ फास्ट रिवीजन के मोड पे, ठीक है। कोरम क्या होती है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट एट द मीटिंग टू मेक द वैलिड मीटिंग, ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर आर प्रेजेंट इन द मीटिंग टू मेक द वैलिड मीटिंग, ठीक है। कोई भी कंपनी अगर मीटिंग करवाती है वो तब तक वैलिड नहीं होगी जब तक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर उस दिन प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, अगर नहीं हुए प्रेजेंट तो क्या होगा, मीटिंग को एडजर्न कर दी जाएगी नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम सेम प्लेस, अगर सेम टाइम नहीं है सेम प्लेस नहीं है या फिर डे भी सेम नहीं है तो क्या होगा, 3 डेज का नोटिस दिया जाएगा, मतलब 3 डेज के अंदर अंदर नोटिस दिया जाएगा हर मेंबर को इंडिविजुअली या फिर एडवर्टीजमेंट दी जाएगी न्यूज़पेपर में, ठीक है। और एडजर्न मीटिंग के दिन भी अगर कोरम नहीं बनी, जो हमने नेक्स्ट वीक के लिए पोस्टपोन कर दी थी मीटिंग, अगर उस दिन भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं वही मीटिंग को फर्दर प्रोसीड कर देंगे, ठीक है, हम मान लेंगे कि अब वही मेंबर मीटिंग को आगे की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा सेक्शन, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब सेक्शन आता है 118, ठीक है, 118 में क्या है, मिनट्स ऑफ मीटिंग। अब मिनट्स होता क्या है,
इट मीन्स अ फ्री फेयर एंड करेक्ट समरी ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग. इट इज ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी एंड इट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द डिसीजन टेकन एट द मीटिंग. मीटिंग के दिन क्या होता है, बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है, तो उस डिसीजन को एक जगह रिकॉर्ड किया जाता है, और जहाँ पे उसको हम रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मिनट्स. ठीक है, ये मिनट्स टाइम वाला नहीं है, ये एक रिकॉर्ड होते हैं, एक पेपर्स होते हैं जिन पे सारी चीज़ें लिखी जाती है, जो भी हमने डिसीजन लिए मीटिंग के अंदर वो सारी चीज़ें हम इस रिकॉर्ड के अंदर लिखते हैं. ठीक है, तो अब समझ आ गया, एक बार दोबारा रीड करते हैं. अ फेयर एंड करेक्ट समरी ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द मिनट्स मीटिंग. ठीक है, मीटिंग के अंदर जो भी प्रोसीडिंग हुई गई है उसकी हम एक समरी किस में लिखते हैं, मिनट्स के अंदर लिखते हैं. ठीक है, इट इज़ ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी एंड इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द डिसीजन टेकन एट द मीटिंग. और कोई भी अगर इस मिनट्स को उठाकर अगर पढ़े तो उसे समझ आता है कि मीटिंग के अंदर कौन कौन से डिसीजन लिए गए हैं. इस तरीके से इसको हम प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये मेरे रफ नोट्स जो मैंने बना रखे हैं. ठीक है, अब इसका नेक्स्ट प्रोविज़न आता है और लास्ट प्रोविज़न, मैनर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मिनट्स. अब उस मिनट्स को हम बनाएंगे कैसे, जिसके अंदर हम डिसीजन सारे लिख रहे हैं उसको हम बनाएंगे कैसे. पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सेपरेट मिनट बुक शैल बी मेंटेन फॉर ईच क्लास ऑफ मीटिंग. मतलब जैसे जैसे मीटिंग होगी, मान लो आज हुई, ठीक है, फिर अगले साल हुई, जब जब मीटिंग होगी हर साल का अलग अलग, हर मीटिंग का अलग अलग क्या बनेगा, एक मिनट्स बनेगा. ठीक है, मतलब हर मीटिंग की एक अलग से रिकॉर्डिंग होती है जिसको हम किसके अंदर करते हैं, मिनट्स के अंदर. ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न जो आया है, अब आया हमारे पास, एक्सक्लूड मैटर बाय चेयरमैन. अब कौन कौन से मैटर इसमें रिकॉर्ड नहीं करे जाते. क्या मान लो अगर मीटिंग हो रही है वो अगर अपनी घर की भी बातें कर रहे हैं कुछ, तो क्या वो भी रिकॉर्ड कर लेंगे, नहीं. ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो यहाँ पे स्पेसिफाई करी गई है, तीन चीज़ें. डेफामेट्री स्टेटमेंट, डेफामेट्री मतलब कोई ऐसी चीज़ बोली गई हो जो दूसरे को हार्म कर रही हो. ठीक है, जो दूसरे को क्या कर रही हो, हार्म कर रही हो, तो वो चीज़ रिकॉर्ड करना मैंडेटरी नहीं है. ठीक है, इमटीरियल और इररेलीवेंट. इमटीरियल मतलब जो हमारे काम की नहीं है, जो मीटिंग के काम की नहीं है, वो हम इसमें रिकॉर्ड क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, तो इसलिए इसको भी एक्सक्लूड कर दिया. अब आता है डेट्रीमेंटल टू इंटरेस्ट ऑफ कंपनी. कोई ऐसी चीज़ बोली गई हो जो कंपनी को हार्म करने के लिए बोली गई हो, ठीक है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे. तो समझ आ गया. अभी हमने कौन कौन से सेक्शन पढ़े, 103 और 118. ठीक है, अब हम लास्ट सेक्शन पढ़ रहे हैं आज की वीडियो में. अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी सेक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है, आपको, और डायग्राम के थ्रू ही पढ़ाऊंगा. और अगर आपको नोट्स भी अगर चाहिए बाकी चैप्टर्स के, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट का, उधर जाकर आप परचेस कर सकते हैं. और इस चैप्टर के अभी नोट्स थोड़े ढंग से प्रिपेयर नहीं हुए हैं, अगर आप चाहो तो मैं इसी की फ़ोटो खींच के आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिख रखा है डायग्राम बना के. ठीक है, तो देखो सेक्शन 115 किसका होता है, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस. ठीक है, मान लो मीटिंग के अंदर जो रेजोल्यूशन पास होता है उसको किसकी ज़रूरत है, स्पेशल नोटिस की. अभी आपको स्टेटमेंट समझ आ जाएगी अभी जब मैं पूरा डायग्राम आपको एकदम एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, मान लो कंपनी अब मीटिंग रखने जा रही है तो कितने डेज के अंदर अंदर नोटिस देती है, 21 डेज के अंदर अंदर. ठीक है, तो किसको नोटिस देते हैं, हम मेंबर्स को देते हैं. अब मान लो मेंबर के पास आ गया नोटिस, ठीक है, कि मीटिंग है, लेकिन अब क्या किया, मेंबर ने नोटिस दिया किसको, कंपनी को. ये अलग केस हो गया ना, इसी को बोलते हैं हम स्पेशल नोटिस. कंपनी ने नोटिस दिया मेंबर को, फिर मेंबर ने किसको दिया, कंपनी को. कितने डेज के अंदर अंदर, 14 डेज के अंदर अंदर. भाई मेंबर कैसे दे सकती है अब कंपनी को नोटिस, मतलब कब देगी, ठीक है, क्यों देगी, तो वही मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखी है. ठीक है, मेंबर को जैसी नोटिस रिसीव होगा वो 14 डेज के अंदर अंदर स्पेशल नोटिस कब देगा, या तो उसको डायरेक्टर को रिमूव करना हो बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, जो डायरेक्टर है कंपनी का उसको रिमूव करने के लिए, या दूसरी कंडीशन ऑडिटर नो रीअपॉइंटमेंट, मतलब ऑडिटर को हर साल साल मतलब एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके उसे हम अपॉइंट करते हैं. ठीक है, जो भी ऑडिटर होता है वो 5 साल के लिए बनता है ऑडिटर कंपनी का. ठीक है, तो उसे हर साल एक क्या किया जाता है, ओआर पास किया जाता है और उसे देखा जाता है कि ये आगे भी कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा. ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, या तो डायरेक्टर को रिमूव कर देंगे हम एक्सपायरी
बिफोर एक्सपायरी ऑफ इस टर्म, या फिर ऑडिटर नो रीअपॉइंटमेंट, ठीक है, उसको हम अपॉइंट नहीं करना चाहते। तो ये दो कंडीशन जब भी आएगी तो मेंबर क्या करेगा, एक स्पेशल नोटिस देगा कंपनी को 14 डेज के अंदर अंदर जब से इसको कंपनी से नोटिस रिसीव हुआ। क्या ये हर मेंबर स्पेशल नोटिस दे सकते हैं? नहीं दे सकते, एलिजिबिलिटी बताई गई है, ठीक है, या तो उसके पास 1% ऑफ वोटिंग राइट हो, या तो उसके पास शेयर एटलीस्ट 5 लाख रुपीज़ पेड अप कैपिटल हो, समझ आ गया, या तो उसके पास वोटिंग राइट हो 1% का, या फिर शेयर कैपिटल हो उसके पास कितनी 5 लाख की, तभी वो स्पेशल नोटिस दे सकता है कंपनी को, किसके लिए, डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए या तो ऑडिटर की नो रीअपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है, समझ आ गया। 14 डेज का नोटिस देगा ये, 14 डेज के अंदर अंदर देगा नोटिस। फिर कंपनी क्या करेगी, जैसे इन्हें नोटिस रिसीव होगा मेंबर से, ये 7 डेज के अंदर अंदर नोटिस देगी मेंबर को और इन्फॉर्म कर देगी कि जो तुम कह रहे हो ठीक है, हमने मान लिया, ठीक है। और अगर 7 डेज के अंदर अंदर नहीं दे पा रही, अगर नॉट पॉसिबल, 7 डेज के अंदर अंदर देना अगर नामुमकिन है, तो क्या करेगी कंपनी, न्यूज़पेपर के अंदर और वेबसाइट के अंदर इन्फॉर्मेशन डाल देगी कि हमने आपकी बातों को मान लिया है और इसको हम, जो भी उन्होंने डिसीजन लिया होगा कंपनी ने, वो न्यूज़पेपर और वेबसाइट के ऊपर डाल देगी, ठीक है, इंग्लिश और वर्नाकुलर लैंग्वेज में। वर्नाकुलर क्या होता है, जिस स्टेट में वो कंपनी काम कर रही है उस स्टेट में कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी जा रही है, उसके हिसाब से वो क्या करेगी, न्यूज़पेपर के अंदर और वेबसाइट के अंदर उसी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए अपनी इन्फॉर्मेशन को लोगों के पास पहुँचाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो दोस्तों यही था प्रोविज़न 115 का, और 118 में मैंने आपको बता दिया, और 103 भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कोरम क्या होता है। तो अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए ऐसी जनरल मीटिंग की, तो कमेंट करो, ठीक है, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना, ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और भी वीडियोस डालने की। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू।